हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली, वैसे आप लोगों ने टाइटल में गैस काफ़ी अच्छे से कर लिया होगा, और जो आज मैं जो घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ज़्यादा ये 100% गारंटी है, इससे आपके बाल ना टूटेंगे, झड़ेंगे और साथ के साथ बाल काले भी हो जाएंगे, और आपके बालों में जितना भी अगर स्कैल्प आपके जो बहुत ज़्यादा फीजी हो गए, ड्राइनेस हो चुकी है, रफनेस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है बाल उलझे रहते हैं, या आप लोगों के बालों में गंजापन आ गया, गैप आ गया है, तो ये जो पैक मैं आज बताने वाली ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं बताऊंगी क्या क्या रेमेडीज है। बिल्कुल घर पे ही आप लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, और इसमें जो है आप लोगों, वैसे मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के दे दूंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें जो है इसमें ऐड की है उनका, क्योंकि काफ़ी लोग जो कहते हैं कि हमें हिंदी में समझ नहीं आता, तो आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें मिलाया, तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगने वाली, अगर अच्छी लग जाए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, और साथ के साथ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और राइट, आप देख सकते हैं राइट कलर राइट में है सब्सक्राइब का बटन, रेड कलर का, आप उसे प्रेस कर दीजिए, और जब भी कोई मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी तो सबसे पहले आप इसे वॉच कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने बालों की ग्रोथ को कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके बालों को जो है प्रमोट कर सकते हैं, आपके यहाँ तक कि आपके बालों का जो है कालापन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट हेयर्स जो है बिल्कुल गायब हो जाएंगे, साथ के साथ आपके क्या होगा कि आपके जो बालनेस की जो दिक्कत है, आपके जैसे गंजापन आता है, बाल झड़ते हैं, या आप लोगों के जैसे प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी से के जो बाद है, जैसे तो पोस्ट डिलीवरी के बाद भी जैसे काफ़ी लोगों के जो है बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जो काफ़ी गंजापन आना स्टार्ट होता है, तो आज जो मैं बताने वाली हूँ जो एक घरेलू मेथड से ही आप लोग जो है अपने बालों को जो है झड़ना रोक सकते हैं, आपके बालों को जो है प्रमोट कर सकते हैं, बालों का कालापन होगा। यहाँ हमें जो मेथी कलौंजी कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ना कोई ऑयल हमें लगाना होगा, यहाँ पर हमें 2 से 3 इंग्रेडिएंट चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें आपके पास ही अवेलेबल होगी, बिल्कुल घरेलू उपाय है, और आप इससे जो है अपने बालों की ग्रोथ को भी अच्छा बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कि आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ भी होंगे, और साथ के साथ आपके बालों को कंडीशनिंग भी मिलेगा। ये एक तरह का बालों का जो है हमारा हेयर मास्क है, आप इसको जो वीक में जो है 2 से 3 टाइम्स इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जो है लेने वाली हूँ सबसे पहले हनी, आप हनी की मात्रा जो 1 से 2 चम्मच लीजिएगा, आपको जो यहाँ पर जो बालों में लगाने के लिए हनी लेना होगा, ये देख सकते हैं मैंने हनी लिया है, ये आप अपने हेयर्स के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, सबकी क्वांटिटी को सेम रखना होगा। यहाँ जो है हम 1 से 2 चम्मच जो हनी ले रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, और साथ के साथ मैं इसमें ले लूँगी एलोवेरा जेल, अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो ले सकते हैं, यहाँ पर जो है मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ मैं यहाँ पर, ये भी हमें जो 1 से 1.5 चम्मच चाहिए होगा, ये देखिए इस तरीके का है, और ये हमारे बालों को जो है बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये हमारे बालों को बहुत अच्छा प्रमोट करता है, यहाँ तक कि हमारे बालों में जो है हर प्रोटीन्स इसमें जो है मिलते हैं। आपको पता है कि एलोवेरा जो है हमारे जो स्कैल्प पे जाकर जो है उनको अच्छे से जो मॉइस्चर करता है, बालों का जो है फ्रीजीनेस को ख़त्म करता है, जो भी है हमारे ये जो बाल है सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, और साथ के साथ आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे वीडियो में शेयर किए हैं विटामिन ई के जो है बेनिफिट्स मैंने आप लोग से शेयर किए हैं। यहाँ पर जो है हम ये विटामिन ई की कैप्सूल 1 से 2 कैप्सूल लेनी है, वो हमें इसके अंदर ऐड करना है, जिससे कि हमारे जो है बालों की ग्रोथ भी अच्छी हो, झड़ना भी ख़त्म हो जाए, और यहाँ तक कि हमारे जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाए, जिससे कि हमारे वाइट हेयर्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ मैं विटामिन ई ले रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, 1 से 2 कैप्सूल ले सकते हैं, वैसे इससे ज़्यादा बिल्कुल मत लीजिएगा, और आपको जो है बस आपके अपने नहाने से आधे 1 घंटे पहले बस आपको ये सारी 3 चीज़ें लेनी है, और ये बहुत ही इजीली मेथड है। अगर आप इसमें जैसे विटामिन ई की कैप्सूल लें तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, कुछ बूंद जो है आप इसमें नारियल का तेल डाल सकते हैं या कैस्टर ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं, बस इन 3 चीज़ों को जो है आपको अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको अपने बालों पे आप लगा सकते हैं, जैसे आप लोग ऑयल की मसाज करते हैं, अपने बालों पे कंडीशनिंग लगाते हैं, कंडीशनर लगाते हैं, जिस तरीके से आप अपने बालों पे जो है मेहंदी लगाते हैं, पैक लगाते हैं, इसी तरीके से आपको इसको अच्छे से जड़ों पे लगाना है, उसके बाद आप इसको जो अच्छे से बालों पर जो अच्छे से मसाज करना है इस तरीके से कि आपके जो है पूरे हेयर्स पर लग जाए, और ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गुणकारी भी होगा,
और बहुत ही अच्छा है ये मास्क है हमारे जो है हेयर्स के लिए, हेयर जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है वो भी सारी खत्म हो जाएगी। इस तरीके से लगाएंगे तो आपके जो डैमेज हेयर्स है, फिजी हेयर्स है या ड्राइनेस जिनको कहा जाता है, काफ़ी कर्ली हेयर्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर इतना सारा प्रोटीन और इतनी सारी चीज़ें अगर हमारे हेयर्स को मिलेगी तो हमारे बाल जो है महीने के अंदर अंदर हमारे बालों की ग्रोथ जो है हमारे जो है शोल्डर से लेके हमारे जो है कमर तक जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो है मैं गारंटी देती हूँ इसका जो अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपको देखेंगे कि इसके अंदर जो हनी हमने इसके अंदर ऐड किया है जो हमारे एंटीबैक्टीरियल होती है हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको पता है इसके अंदर जो होता है नेचुरल शुगर्स भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ तक कि आपको पता है कि हनी के अंदर कैल्शियम और आयरन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा स्रोत माना गया है जो हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। साथ के साथ आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारे एलोवेरा जेल है हमारे हेयर्स को जो है स्मूथ भी करता है, स्कैल्प को हेल्दी करता है, साथ के साथ जो हमारे हाइड्रेट करता है हमारे स्किन एंड हेयर के लिए। आप ऐसा नहीं है कि हेयर्स पे भी लगा सकते हैं, आप अगर ये पैक बचता है तो आप अपनी स्किन पे भी जो है 15 मिनट के लिए लगा लीजिएगा और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से ठंडे पानी से वॉश कर लीजिएगा बिना साबुन के, बिना किसी कोई लिक्विड के आप इस तरीके से इसको लगाएंगे तो मैं गारंटी देती हूँ आपका जो है लंबे समय तक आपके जो है हेयर जो है झड़ना बंद हो जाएंगे, हेयर लॉस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ नुस्खा है और आयुर्वेदिक नुस्खा है, बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगने वाली है, अच्छी लग जाए तो जाते जाते प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर। अब आप देख सकते हैं ये लिक्विड हमारा बनके तैयार हो चुका है, बस अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने जो है हेयर्स पे अच्छे से मसाज करनी है। जैसे आप इसको ले लेते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से लेने के बाद इसको ऐसे ऐसे मसाज करनी है, इस तरीके से मसाज करनी है। क्योंकि मैं अभी इसलिए बता रही हूँ तो आपको मेरे को मेरा जो लुक देख के लग रहा होगा, क्योंकि अभी हमने मेरे को जो है थोड़ी सी देर में जो है मेरे को नहाने जाना है, तो इसको जो लिक्विड है मैंने इस तरीके से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको जो है आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको इस तरीके से मसाज करनी और इसको करने के बाद आप अपने जो हेयर्स को जो एक बन बनाकर जो है आपके जैसे बाल खराब ना हो तो आपको क्या करना है, बन बना के जो है इस तरीके से आप इसको जो है टाई कर लीजिए और साथ फिर इसको जो है आधा घंटे के लिए या 30 या 40 मिनट्स के लिए आप इसको जो इसको अपने बालों पे रख लीजिए और उसके बाद जो आप इसको अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। आप ऐसा है कि आप शैम्पू भी कर सकते हैं, कंडीशनर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, बट हाँ इसको वीक में 2 टाइम ज़रूर यूज़ कीजिएगा तभी आपको जो बेटर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि आपके बालों के रूट्स में स्कैल्प पे जाके जो है आपके वाइट हेयर्स की जो ग्रोथ है उसको रोक देगा और यहाँ तक कि इससे जो इसके अंदर जो प्रोटीन मास्क बोला जा सकता है इसको, ये जो क्या होता है कि हमारे जो है मेलानिन नाम की जो चीज़ जो खत्म हो जाती है, पिगमेंटेट कहते हैं उसको, खत्म हो जाती वो बनाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे बाल जो है बहुत ही ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ भी होते हैं और बालों की ग्रोथ भी नेचुरली तरीके से जो है लंबे समय तक बने रहता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगने वाली, अगर अच्छी लग जाए तो जाते जाते लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाय, टेक केयर।